छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच एक बार फिर 36 का आंकड़ा बनता दिख रहा है। दो माइनिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर दोनों नेता आमने सामने आ गए हैं। कोल ब्लॉक के लिए पेड़ कटाई का विरोध कर रहे हसदेव अरण्य क्षेत्र के घाटबर्रा, हरिहरपुर, साली, बासेन के ग्रामीणों के बीच पहुंचे मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, दिल्ली जाकर आप सबकी मंशा, आपकी पीड़ा और हसदेव अरण्य को बचाने की आपकी मांग से हमारे नेता राहुल गांधी को अवगत कराऊंगा। जो गाँव वाले यहाँ उपस्थित है ये सहमत नहीं है कि यहाँ जंगलों की कटाई बढ़ा के खदान के क्षेत्र को बढ़ाया जाए। कई परिवार हैं, इसका तो ऐसे सर्वेक्षण और करना पड़ेगा, जिनके पास इनका कहना है कि हम 3-4 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं लेकिन वन अधिकार पत्र अभी तक इनका नहीं बनाया गया। मंत्री ने कहा, आंदोलन में देर से पहुंचा, इसका कारण यह है कि जब तक आप एकजुट नहीं होंगे मेरा कुछ भी बोलना सही नहीं रहेगा, इसलिए जब और जहां आप एकजुट रहेंगे मैं आपके आगे आगे चलूंगा। यदि गांव 2-3 भागों में बंट गया तो परेशानी हो जाती है, ऐसे समय में किसकी ओर से खड़ा हुआ जाए फैसला करना कठिन हो जाता है, लेकिन आप एकजुट रहें तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। उन्होंने कहा, आपको परेशान किया जाएगा तो आप निश्चिंत रहिए, मैं हमेशा आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन आपको भी एकजुट रहना होगा, फिर चाहे गोली चले या डंडा, पहली गोली या डंडा मैं खाऊंगा, इसके बाद दूसरा आपको लगेगा। फिर कोई गोली बंदूक लेके आएगा तो मेरे को बुला लीजिएगा, पहला गोली मैं खाऊंगा, दूसरा आपको लगेगा। हमारे बाबा साहब का भी बयान आया है, पहली गोली लगेगी मुझे लगेगी कि गोली चलने की नौबत नहीं आएगी, और जो गोली चलाने वाले पहले ही गोली उन पर चल जाएगी जो चलाने वाले हैं उसके। और जहाँ तक के बाबा साहब उस क्षेत्र के विधायक हैं, वो नहीं चाहते तो पेड़ क्या एक डंगाल नहीं कटेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यदि टीएस सिंहदेव क्षेत्रीय विधायक और हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, यदि वो नहीं चाहते जब तक उसकी सहमति नहीं बनेगी, पेड़ क्या डंगाल नहीं कटेगी। तो टीएस सिंहदेव के इस रुख के बारे में आप क्या कहेंगे, अपनी राय जरूर कमेंट करें।